स्टूडेंट आज ना वीडियो लेक्चर में आपनू स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 निर्भय बनो। निर्भय बनो, लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। निर्भय बनो यानी कि निर्भयता है वो हमारा बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुणों का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने इस उपन्यास कहाँ से लिया गया है तो कि कितने चौराहे से इस उपन्यास लिया गया है और इस उपन्यास के सभी पात्र नवयुवक हैं। उनमें निर्भयता दिखाई दी गई है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है। उसका प्रकार है उपन्यास, उप प्लस न्यास, दो शब्दों से बना है उपन्यास। फणीश्वरनाथ रेणु कि हर एक व्यक्ति में निर्भयता होना सबसे बड़ा गुण है। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1920 में और निधन सन 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उनका पहला उपन्यास था मेला आंचल, उसके प्रकाशन होते ही वो विख्यात हो गए, ख्यातनाम हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टार्ज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता और कुरूपता को मानवीय सुहृदता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। जीवन की सुंदरता और कुरूपता, सुरूपता यानी कि सुंदरता, सुंदरता और कुरूपता का मानवीय सुरत भाव तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोग बोलियों के शब्द का प्रयोग ध्यान आकर्षण है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निकोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सी उपाधि से सम्मानित किया है। यह उपन्यास कितने चौराहे के सातवां प्रकरण से लिया गया है। यहाँ पर निर्भय बनो ये उपन्यास उसने कितने चौराहे लिखा है, उपन्यास का एक भाग है कि कितने चौराहे के सातवें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से बालक प्रियोदा है और प्रियोदा सभी ही छात्रों को यानी कि अपनी एक टीम बनाता है और टीम के सभी में कौन को किस किस लोगों को शामिल करना है और कैसे ये डरपोक व्यक्ति यानी कि निडर व्यक्ति को और डरपोक व्यक्ति को कैसे निडर बनाना है, ऐसे ऐसे ये काम सिखाता है और इस चैप्टर में दिखाया गया है कि वो अपनी
एक टीम बनाता है और जो शिक्षक या कोई छात्र बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा में लग जाता है और अलग अलग मोहल्ले कस्बे में से अनाज मुट्ठी भर अनाज वसूल कर आश्रम के लिए कोई गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए एकत्रित होते हैं और उसका प्लान करते हैं। और जो व्यक्ति डरते हैं, जो व्यक्ति के अंदर जो खूबियाँ है उसको बाहर कैसे निकालते हैं उसका प्रयास यहाँ पर प्रियोदा ने किया है। अब हम देखेंगे आगे। प्रियोदा, प्रियोदा का नाम है यहाँ पर प्रियव्रत राय। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है, जो प्रियोदा है वो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी ही लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। वो ऐसे एक काम करते हैं जो 10 काम करते हैं, प्रियव्रत राय है वो 10 काम करते हैं, इसलिए सब स्कूल के सभी लड़के और मास्टर यानी कि टीचर्स उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे यानी कि मोहल्ले कस्बे के उनको छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना यानी कि मुट्ठी भर अनाज। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़े कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। जो प्रियोदा है वो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी छात्र या टीचर्स उसको प्यार करते हैं क्योंकि वो 10 काम करता है। स्कूल ही नहीं, उसके कस्बे यानी कि छोटे छोटे गांव के जो वो भाग होते हैं। 2011 में जब जनगणना हुई तब भारत में 7,836 कस्बे थे और कस्बे में प्रायः सभी उसको जानते हैं। जो छोटे छोटे गांव के कस्बे हैं उसमें जो शहर कस्बे किसे कहते हैं, तो कि शहर और गांव के जो जोड़ते हैं रास्ते उस पर जहाँ छोटा कच्चे मकान होते हैं उसमें लोग रहते हैं उसे कहते हैं कस्बे। तो कि कस्बे में प्रायः सभी उसको जानते हैं। और हर रविवार की सुबह बगल में एक झोली यानी कि थैला लेकर वह सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी अकेला जाता है और कभी साथियों के साथ जाता है। यदि कोई स्कूल का छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा अपनी टोली यानी कि टुकड़ी के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उसका जब रोगी या पूरी तरह भला चंगा यानी कि पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक उसकी सेवा करता है और सेवा में लगा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में ही है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल यानी कि टोली या टीम है उसमें है टोली यानी कि। जब उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है और उसने मनमोहन को भी अपने साथ अपनी टुकड़ी में कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद एकत्र होते हैं। परमान यानी कि एक नदी का नाम है, यहाँ पे हमने दिखा है कि नदी उसका नाम है परमान। हर शनिवार की शाम को वह परमान नदी के पार, आप देख सकते हैं चित्र में कि परमान नदी के उस पार बालूचर और पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वहाँ एकत्र होते हैं और वो बात करते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं और किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा उसका प्रोग्राम तय करते हैं। प्रियोदा उसकी टीम से वो शनिवार की शाम को परमान नदी यानी कि बालूचर पर और तैयार हो इकट्ठे हो जाते हैं और स्कूल की छुट्टी के बाद और उसकी वो बात करते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा दुनिया भर की खबर प्रियोदा उसके साथियों को सुनाता है।
और रविवार का प्रोग्राम भी तय कर लेता है कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा, मुठिया वसूलने कौन जाएगा, यदि कोई बीमार है तो उसकी सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा, उसका सारा प्रोग्राम निश्चित कर लेता है। प्रियोदा, उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था कि प्रियोदा, यह मनमोहन, ये मोना, मनमोहन खूब तेज लड़का है। तेज यानी कि होशियार, होशियार लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। उस दिन जब प्रियोदा मनमोहन का परिचय देते हुए प्रियोदा कहते हैं कि यह प्रियोदा से कहते हैं, कालू मनमोहन का परिचय देते हुए प्रियोदा से कहता है कि प्रियोदा, यह मोना यानी कि मनमोहन है और ये खूब होशियार लड़का है और ये अपने क्लब यानी कि क्लब का मेंबर, सदस्य यानी कि मेंबर बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। प्रियोदा ने यह मनमोहन से सिर से पैर तक देखा और पूछा, कहा कि प्रियोदा कि वो प्रियोदा मनमोहन से सिर से पैर तक देखता रहे और पूछता है कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो हो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रियोदा अपनी टोली में शामिल करने से पहले उसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्या यह अपनी टोली में काम करने के लिए योग्य है। ऐसे परीक्षा लेने के लिए वह उसे दो प्रश्न पूछता है और कहते हैं कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम लो कि जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन कहता है कि महात्मा गांधी। ठीक है, प्रियोदा कहता है कि ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। प्रियोदा मनमोहन से पूछता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला कि वकील। सभी ठाट कर हंसने लगे, सभी लोग उसका बहुत जोर से हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, वो पूछते हैं मनमोहन से प्रियोदा कि क्या तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। तभी मनमोहन कहता है कि सीख लूँगा। शाबाश, यदि रोगा हैजा से पीड़ित हो तो, हैजा यानी कि कोलेरा। वो प्रियोदा मनमोहन से कहता है कि शाबाश, यदि कोई रोगी कोलेरा से पीड़ित हो तो क्या तुम उसकी सेवा करोगे। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजे के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। वो थोड़ी देर चुप रहा और फिर और कहते हैं कि हैजे के नाम से ही वो डरने लगता है। गाना जानते हो। जी, प्रियोदा मनमोहन से पूछता है कि क्या तुम गाना गा सकते हो। तभी वो बता रहा था कि जी, तैरना। वो पूछता है कि तैरना जानते हो। तभी वो कहते हैं कि जी नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, उसका टीम का एक सह मेंबर है सूर्य नारायण। प्रियोदा ने सूर्य नारायण से कहा कि सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तभी सूर्यनारायण कहता है कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। वो कहता है कि मैं एक दिन, वो नहीं जानता तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें सिखा दूंगा, मैं एक दिन उठाकर उसे पानी में फेंक दूंगा तो वो खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे, टीम के जो मेंबर है वो सभी हंसने लगे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, यहाँ पर दिखा गया है कि सूर्यनारायण है वो पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। आप देख सकते हैं चित्र में कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबियाँ होती है। कोई व्यक्ति जो पढ़ने में अच्छा होता है वो अच्छा गा नहीं सकता, जो अच्छा गा सकता है वो अच्छा खेल नहीं सकता, अच्छा खेल सकता है वो अच्छा कूद नहीं सकता, अच्छा पढ़ नहीं सकता। यानी कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग गुण वह ईश्वर ने रखे हैं, खूबियाँ अलग अलग, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ है ही। उस खूबी को हम अपने आपको बाहर निकालनी है। लेकिन सूर्यनारायण कहते हैं कि सभी हंसते हैं और सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। वो कहते हैं कि सूर्यनारायण बहुत पहलवान यानी कि मजबूत है उसका शरीर और रोज 100 दंड उठक बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसके साथी है उसको सूर्यनारायण को सूरज पहलवान कहते हैं।
दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है, जो उसके ये टीम में जो जो सदस्य है उस सभी को वो तैरना सिखाते हैं। उस दिन सभी ने एक नए सदस्य मोना यदि मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। उस दिन सभी सदस्यों उनके टीम के जो मेंबर है सभी सदस्यों ने उसी मनमोहन को एक गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले तो लजाया यानी कि शर्माया। पहले सभी सदस्यों ने उसे कहा कि तुम एक गाना हमें सुनाओ, तभी मनमोहन शर्मा गया। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखरा कर यानी कि ऐसे करके गला साफ करके गाना गाया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। जब प्रियोदा ने सभी वो शर्मा रहा था तभी प्रियोदा ने आग्रह किया तो वह गाना गाने का शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम आप देख सकते हैं कि राम और रहीम हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। दिल को हम सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है मनमोहन तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। तभी प्रियोदा मनमोहन से कहता है कि तुम्हारा गला बहुत ही मीठा है। कालू को वो जिम्मेदारी सौंपता है कि तुम जो हम प्रभात फेरी यानी कि सुबह के समय जो हम प्रभात फेरी यहाँ पे चित्र दिया गया है कि सुबह के समय जो हम प्रभात फेरी में निकलते हैं जो उसका दोनों गीत है वो तुम मनमोहन यानी कि मोना को सिखा देना। आज हम आगे का वीडियो हम अगले आगे का चैप्टर है वो हम आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।